Hey class 8, so we are going to start a new chapter, okay? That is electric current and its chemical effects. Okay, electric current and its chemical effects. First we should know what is electric current. Okay, what is electric current? Electric current, it is the flow of electric charge. Okay, it is the, what is electric current? I can tell you, the electric current is the flow of electric charge. Clear? It is the flow of electric charge. Okay, clear? The flow of electric charge is called as electric current. The electric charge is of two types. One is positive charge, the other one is negative charge. Okay, the first one is positive charge, the second one is negative charge. The positive charge is denoted as plus, whereas the negative charge is denoted as minus. Clear? The electric charge, it always flows through conductors. Always. तुम पढ़े हो conductors, electric charge या electric current. देखो electric current को हम लोग electricity भी बोल सकते हैं. Electricity, no issues. Same thing है, okay? So what I was telling is electric current or electricity or electric charge, they flow through conductors only. ये सिर्फ conductors के through ही flow करते हैं, इंसुलेटर्स के थ्रू फ्लो नहीं करते. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? आई हैव टोल्ड यू देयर एनीथिंग दैट अलाउज द करंट और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. ठीक, इसमें ऐसा क्या होता है? क्लियर? इसमें ऐसा, कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है जो इसमें करंट फ्लो कर पाता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें होता है आयन. क्या होता है? आयन. ये आयन क्या है, इसको जानने के लिए मैं तुम्हें कुछ सिंपल बेसिक चीज़ सिखाऊंगा. सबसे पहले जानो एटॉम, दुनिया का सबसे छोटा चीज़. जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है सब एटॉम से बना है, और ये एटॉम सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल है. क्लियर? सेकेंड थिंग, एटॉम हैज नो चार्ज, मीन्स इट इज न्यूट्रल. Atom has no charge, that means it is neutral. Atom neutral क्यों है बता देता हूँ. Atom के अंदर तीन particle मिलेंगे तुमको, तीन चीज़. सबसे पहला वाला electron मिलेगा, फिर मिलेगा proton, फिर मिलेगा neutron. Electron negative charge, proton पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज. क्लियर? इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर भी हम एटम को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों का चार्जेस इक्वल है. क्लियर? इक्वल है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है. मान लो 10 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है. -10 +10 कैंसल आउट, जीरो. जीरो मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल. क्लियर? जीरो मतलब नो चार्ज, इसीलिए एटॉम को बोलते हैं न्यूट्रल. लेकिन खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कभी कभी ये बढ़ जाता है, कभी कभी ये घट जाता है, अपने आप नहीं. कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है 10 का 9 हो जाएगा. एक कहाँ गया? एक किसी और के पास चला गया. एक इलेक्ट्रॉन किसी और के पास चला गया तो यहाँ पे 9 हो गया. ऐसे कंडीशन में तुम देखो 10 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसीलिए हम जो भी एलिमेंट लिए, जिसमें 10-10 लिए हैं, जो भी एटम लिखा मैं, सोचो एक्स एटम है, उसमें पहले 10-10 था, इसीलिए एक्स न्यूट्रल था. अभी पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसको हम लिखेंगे x+.
क्लियर। कभी कभी 10 है ना, ये 11 हो जाता है अपने आप नहीं, ये किसी से ले लेता है, किसी से ले लेता है। जब ये 10 का 11 हो जाएगा, अब तुम देखो 11 तो नेगेटिव 10 तो पॉजिटिव, क्या बोलते हो? 11 तो नेगेटिव का चार्ज रहेगा यानी एक्स हो जाएगा माइनस, क्लियर। तो कभी कभी एक्स पे या एटॉम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कभी कभी नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन चाहे कोई भी चार्ज आए, चार्ज आया इसका मतलब उसको तुम और एटॉम नहीं बोलना। जब न्यूट्रल था तो एटॉम बोल रहे थे ठीक था, अभी आ गया है इसमें चार्ज, क्या बोलोगे? आयन बोलोगे, क्लियर। सो सिंपल डेफिनेशन, इतना सारा चीज़ मैं नोट्स में नहीं दूंगा, ये क्लास 9th में है, डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। अब बस जानो कि एटॉम न्यूट्रल है, आयन चार्ज है, क्लियर। एटॉम न्यूट्रल है और आयन चार्ज्ड है। कंडक्टर्स में क्यों फ्लो करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज? क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल है, आयन इज चार्ज पार्टिकल, तो वो करंट को यानी चार्ज को लेके जाता है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके जाता है। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज पार्टिकल है, याद रहे, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज पार्टिकल है तो उसको कोई नॉर्मल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल कैरी नहीं कर सकता, ये चार्ज पार्टिकल है ये कैरी कर सकता है, इसीलिए लेके जाता है, क्लियर। तो आयन्स क्या है हम जान गए। अब आयन दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन, क्लियर। पॉजिटिव आयन को बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे? सॉरी उड़ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। पॉजिटिव आयन को बोलेंगे कैटायन, क्या बोलेंगे? कैटायन। नेगेटिव आयन को बोलेंगे एनायन, क्लियर। पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? कैटायन। नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? एनायन। समझ में आया? ये चीज़ क्लियर रखो पूरा, क्लियर। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग, तुम अभी वीडियो देखो, क्लासेस क्लास में मैं तुम्हें और सेपरेटली अच्छे से समझा दूंगा नया टॉपिक्स, क्लियर। हैव अ गुड डे।